पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक स्थिति दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान की हालत कैसी है। वहां की जनता महंगाई की मार झेल रही है। इसी बीच पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर हिंदुस्तान के किसानों ने एक ऑफर दिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर का ऑफर दिया है, लेकिन एक शर्त भी रखी है। झाबुआ के किसानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पैगाम भेजकर कहा कि पीएम इमरान खान पीओके दो और हमारे टमाटर लो। इतना ही नहीं, किसानों ने पाकिस्तान से साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए भी माफी मांगने की मांग की है। गौरतलब है कि इन दिनों पाकिस्तान में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। वहां टमाटर 400 से 500 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए झाबुआ के किसानों ने पाकिस्तान में टमाटर की सप्लाई नहीं करने का प्रण लिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पिछले हफ्ते ईरान से 4,500 टन टमाटर आयात करने का परमिट जारी किया था, लेकिन बाजार में ये पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण दाम में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान में एक दुल्हन ने टमाटर की बढ़ती कीमतों के विरोध में ऐसी ज्वेलरी पहनी जो महंगाई और आर्थिक स्थिति पर गहरा कटाक्ष था। लाहौर में एक दुल्हन ने शादी के दिन टमाटर की ज्वेलरी पहनी थी। जब एक रिपोर्टर ने दुल्हन से इसकी वजह पूछी तो दुल्हन ने कहा कि टमाटर इतने बेशकीमती हो गए हैं कि उनकी माता पिता ने दहेज में लड़के वालों को 3 पेटी टमाटर दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।